इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रोम के अंदर हम ईमेल आईडी कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ज़रूरी रहता है यहाँ पर, क्योंकि ईमेल आईडी बहुत महत्वपूर्ण होती है यहाँ पर। जैसे कि आईडी के तौर पर होती है अकाउंट, जीमेल आईडी हो, ईमेल आईडी हो, आपका गूगल अकाउंट हो, तो इसको चेंज कैसे करें। तो चेंज करने के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपके प्ले स्टोर पर भी दो अकाउंट कम से कम लगे हुए होने चाहिए अगर आप चेंज करते हैं तो। तो ये तो चीज़ कंपलसरी हो गई कि आपको चेंज करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर आपके पास होगा तो ही चेंज होगा। लेकिन अब क्रोम पे से मैं आपको बता देता हूँ, मान के चलिए आपने ऐड कर रखा है, तो क्रोम पे से आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर क्रोम को खोल लेना है, और यहाँ पर खोल लेते हैं क्रोम को, और यहाँ पर तीन लाइनों पर जाइए, ठीक है। चाहे आप कहीं भी कोई से भी पेज पर हो, आपको यहाँ पर तीन लाइनों पर जाना है, सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पर जो है नीचे जाना है, ठीक है, और नीचे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ऊपर ही दिख जाएगी यहाँ पर आईडी। जैसे आप इस पर टिक करेंगे आपकी दूसरी वाली आईडी भी आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पर ये वाली आईडी, इसके नीचे आपको और भी आईडी दिख जाएंगी, आपको बस उनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लग जाएगी। मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल दिखा भी देता हूँ क्लिक करके। यहाँ पर मैंने एक आईडी पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर हमें जो है स्कैन नाउ पर टिक कर देना होगा, और चाहे तो इसमें से भी खोलने के बाद इसे जो है इस तरीके से जीमेल वगैरह से रिफ्रेश मार देना है। दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ से इसको आप जो है होल्ड प्रेस करिए, ऐप इन्फो पर जाइए, और यहाँ से इसका डेटा क्लियर कर दीजिएगा। तो फिर ये उसके बाद अपना आप ही अपनी दूसरी आईडी को भी लॉगिन करने के लिए मांग लेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।